ये देखिए मैं ये कौन सा पैक लगाई हूँ, एलोवेरा एंड कॉफ़ी। स्किन देखो कितना टाइट लग रहा है ना, मेरा स्किन बहुत टाइट दिख रहा है ना, अभी सूख चुका है। अब मैं नहाने जा रही हूँ, जब शावर लेके आऊँगी उसके बाद बात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। शाम का अभी कितना हो रहा है, 5:15 हो रहा है। मेरा अभी किचन में है और बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं बहुत बता चुकी हूँ पहले भी। एक्चुअली मेरा वो पुराना ब्लॉगिंग चैनल था ना, बंद हो गया, तो बहुत सारे लोगों को उस पर जो मैं बहुत कुछ बताई हूँ वो सब कुछ पता नहीं है ना लोगों को, तो अभी मुझे लग रहा है ना फिर से सब कुछ बताना ही पड़ेगा। एक बार हमारी आपस में बात हुई थी ना कि बताना पड़ेगा मुझे सब कुछ एक बार फिर से, तो सोच रही हूँ मैं फिर से बता दूँ। हाँ गुंजन जी, आपका क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ, एक मिनट। हाँ, आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि छठ जो है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मीन्स मेरे ससुराल वाले जो है वो मेरे फैमिली में सिर्फ मेरी मदर इन लॉ करती हैं, मतलब मेरी सासू माँ करती हैं छठ, और फैमिली में कोई एक ही करता है। मीन्स अगर मेरी सासू माँ कर रही हैं तो सिर्फ सासू माँ ही करेंगी, मैं नहीं कर सकती और मेरी देवरानी नहीं कर सकती। जब मेरी सासू माँ से नहीं हो पाएगा, यानी कि जब अम्मा से नहीं हो पाएगा, तब अम्मा जिसको बोलेंगी बोलेंगी कुछ नहीं, अम्मा बोलती हैं कि नहीं मैं बोलूँगी, आप लोगों को खुद सोचना होगा, और इन सभी मैं नहीं बोलूँगी, ये इस बात को आप समझ जाओ कि अम्मा बोलती है कि जब तक उनसे हो पाएगा वो करेंगी, और अम्मा को जब हमें खुद लगेगा कि अब अम्मा नहीं करना है, अम्मा अब नहीं करेंगी, तो फिर हम लोग सोचेंगे। तो ऐसा है हमारे फैमिली में नियम है, तो कोई एक ही करता। और मैं अपने मायके में भी देखती थी, और जब जब से मुझे होश हुआ तब से जो हमारे वो सिपाही बाबा बोलती हूँ मैं, बोलती हूँ अभी भी, अब सिपाही बाबा है नहीं, जो हमारे जो हमारा ज़मीन वगैरह होता था ना, तो उन सब की निगरानी करते थे वो, तो उनको एक रूम मिला हुआ था रहने के लिए और सब कुछ, तो सिपाही बाबा करते थे मेरे यहाँ छठ। जब मेरे सिपाही बाबा गुजर गए तो हम लोग उनको सिपाही बाबा बोलते थे, तो जब मेरे सिपाही बाबा गुजर गए ना, तो उसके बाद मेरी माँ करना शुरू की, और अम्मा के बाद जो है, जो माँ का जब मेरे बाईपास हुआ 2010 में हुआ था अम्मा का बाईपास, मेरे बाईपास हुआ है अम्मा को, उसके बाद अम्मा को फास्ट करना एकदम से मना हो गया, तब से जो है सो पापा करते हैं छठ को। अब जब तक पापा करेंगे तब तक पापा करेंगे, और जब पापा नहीं कर पाएंगे तब देखते हैं कि कौन करता है। तो अभी तक मैं यही देखते आई हूँ कि फैमिली में सिर्फ एक जन ही करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल में सिर्फ एक मेरी सासू माँ ही करती हैं और बाकी मेरे फैमिली में नहीं करते हैं। तो जैसे कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे जो ससुर थे वो तीन भाई हैं, तो मेरे ससुर अब नहीं है, मीन्स मेरे फादर इन लॉ अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरे दो चाचा जी हैं। एक मेरे फादर इन लॉ के बाद जो चाचा जी हैं ना, वो गांव में रहते हैं, तो उनकी वाइफ जो है, यानी कि मेरी बड़ी चाची जी जो है ना, वो छठ करती हैं। उसके बाद जो छोटे चाचा जी हैं, जो सम्यक के मतलब मम्मी पापा जो हैं, वो चाची छठ नहीं करती हैं, चाचा जी छठ करते हैं, और मेरे यहाँ से अम्मा छठ करती हैं। तो यही है, मीन्स हम सब नहीं कर सकते, कोई भी फैमिली का एक करता है, तो अभी अम्मा करती हैं, और अम्मा इस बार गिर गई हैं, तो इसकी वजह से अम्मा छठ नहीं कर पा रही हैं। तो हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे फैमिली फ्रेंड है, मेंबर जैसे ही हैं वो हमारे फैमिली के, सतीश जी है, तो उनकी माँ जो है सो की हम लोगों का छठ इस बार की हैं, और अम्मा फास्ट में की हैं। अम्मा का कल खरना था, तो खरना का प्रसाद वगैरह गुड्डू गए थे और खरना का प्रसाद लेकर के आए, फिर वो प्रसाद जो है सो की अम्मा खाई, और आज अभी गुड्डू और डब्लू जी दोनों जो हैं गए हुए हैं घाट पे, जो सतीश जी की माँ करती है ना चाची जी, वहाँ गए हुए हैं और वहाँ से आएंगे। सुबह का जो अर्घ होगा उस पर मैं भी जाऊँगी कल, तो सुबह का अर्घ है क्योंकि उसमें वो सिंदूर लगाते हैं, तो वो बहुत मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो कल सुबह मैं जाऊँगी छठ घाट पे, सुबह के अर्घ के टाइम में जाऊंगी, और चाची जी जो सिंदूर वगैरह लगाएंगी या फिर वो प्रसाद देती है ना आंचल में, तो वो सब लेकर के आऊंगी। तो यही है, आपके क्वेश्चन का मेरे हिसाब से जवाब मिल गया होगा। तो
जो मैं जो नए हैं इस चैनल पे और जो मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, मैं किसी दिन और वीडियो में जो है सो मैं बता दूँगी। वैसे आप समझ गए होंगे कि मैं बिहार से हूँ और बिहार में मैं प्रॉपर जो है मेरा मायका जो है प्रॉपर मायका मेरा मुजफ्फरपुर ज़िला पड़ता है और ससुराल मेरा मोतिहारी ज़िला पड़ता है। यानी कि और अगर फ्लैट डेरा की बात करते हैं, फ्लैट की बात करते हैं कि फ्लैट आप दोनों का कहाँ पर है, मायके वालों का, ससुराल वालों का, तो पटना में मायके वालों का भी फ्लैट है और ससुराल वालों का भी फ्लैट है। तो एक ही जगह पे मीन्स समझ जाओ ना कि मतलब 15 मिनट की दूरी पर मायके का भी फ्लैट है और ससुराल का भी फ्लैट है। तो ऐसा है। और मुजफ्फरपुर में भी मेरा फ्लैट, मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बहुत बड़ा सा बंगला बनाए हुए हैं, तो मुजफ्फरपुर में भी है। और तो ऐसा ही है। तो मैं मायका मेरा मुजफ्फरपुर है और ससुराल मेरा मोतिहारी है, लेकिन सब लोग जो हैं मुजफ्फरपुर और पटना में रहते हैं। कुछ लोग अभी भी मोतिहारी में रहते हैं, जो हमारे जो जो मेरे फादर इन लॉ साइड के थे, तो अभी भी वो मोतिहारी में बहुत लोग रहते हैं। ऐसा ही है। तो मैं आपको अपने बारे में भी बता दी, जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे उनको पता हो गया कि मैं प्रॉपर कहाँ की हूँ। और ये है मेरी हीरोइन, ये मेरी हीरोइन है जो अभी झाड़ू खा रहे, बहुत गंदा होगा। भैया जा रहे थे ना तो सुबह में वो छटका चले गए थे वो सामान लेने के लिए पूरा किचन में। और हाँ, अब अम्मा की बात कर लेते हैं। अम्मा एकदम ठीक हैं, अम्मा घर पे आ गई हैं, लेकिन मेरे घर पे अभी नहीं है। अम्मा अभी श्वेता के यहाँ है और श्वेता के यहाँ से फिर अम्मा जो है सो कि यहाँ पर आएंगी। अम्मा का भी, अम्मा एकदम परफेक्ट है और अम्मा के लिए एक केयर टेकर भी रखा गया है जो कि अम्मा के साथ 24 घंटे रहे। मीन्स वो अम्मा के साथ बाजू में ही सोती हैं और अम्मा के साथ ही उठती बैठती है। मीन्स अगर हम लोग रात में सो भी गए तो अम्मा आवाज़ दे तो हम लोगों को सुनाई दे या ना दे, तो एक केयर टेकर रखा गया है जो कि अम्मा का सब कुछ, क्योंकि अम्मा को अभी सब कुछ बेड पे ही करना है, पॉटी सुसू से लेकर के सब कुछ अम्मा का जो डेली रूटीन होता है अम्मा का बेड पे ही है, तो वो केयर टेकर है तो अम्मा का वो सब कुछ करने के लिए। तो वही है, सब कुछ आप लोगों को बता दी। आज सुबह से अगर बात की जाए तो आज मैं, मुझे एक्चुअली चाय पीने की इच्छा हो रही है। क्या हुआ हीरोइन? गोल्डी का टिकटॉक चल रहा है? गोल्डी दिन के तो 1 बजे से टिकटॉक, 1 बजे नहीं, कितने बजे से बना रही है टिकटॉक? 2 बजे से गोल्डी टिकटॉक बना रही है। कोई है? अभी चाय बनाएंगे, चाय पीते हैं थोड़ा। बाय हीरोइन, खाई कि नहीं खाई? हाँ, मेरी मीरा ना एकदम डल हो गई है। दिन भी कहाँ गिरा लेती हो तुम अपना? नया बिंदी का पत्थर खरीदो, पुराना सब हटा दो, ऐसा करो। कुछ मन में हो जाता है ना उस समय, तुम्हारे हस्बैंड के टाइम का वो बिंदी का सब है ना, तो सबको हटा दो और नया पत्थर खरीदो और तब उसको लगाओ, ऐसा करो। चलो चलिए चाय पीते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर क्या डाली, ये वाला यहाँ पे डाली। गुंजन जी, मुझे छठ का 2-4 गाना आता है, उसमें से एक गाना मैं सब भूल गई हूँ मैं एक्चुअली। 2 गाना याद है मुझे, एक गाना में एक लाइन मुझे याद है। वैसे तो बहुत सारा गाना आता था मुझे, ये सब भूल गई ना, गाने का कहाँ यहाँ पर टाइम होता है। एक गाती हूँ मैं, एक कौन सा था, एक बड़ा अच्छा गाना लगता है मुझे, ऊजे बास ही बस के बाहंगिया, ऐसे ही है शायद। रेशम लागल डोर है ना, ऊजे आन्हर होय रे बटोहिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है।
सब भूल गई, सब भूल गई। एक दो गाना मुझे बहुत अच्छे से आता था लेकिन वो भी भूल गई मैं। कौन सा गान था, कौन सा था? हाँ, एक 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 दो दो लाइन सबका याद है मुझे। उजे नारियाला फरले घाउद से ओ पर सुगा मेरा राय, ओ पर सुगा मेरा राय, उजे मार बौरे सुग बाधनुष से सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु छाय। ये वाला गाना याद है। उजे न, उजे अभी नारियल बोली ना, उजे नीमू आजे फरले घाउद से ओ पर सुगा मेरा राय, ओ पर सुगा मेरा राय, उजे मार बौरे सुग बाधनु से सुगा गिरे मुरु झाय, सुगा गिरे मुरु झाय, उजे इख बाजे परले घाउद से सुगा गिरे मुरु छाय, उजे मार बौरे सुग बाधनुष से सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु छाय, उजे नीम अने उजे क्या क्या है उजे और जो मतलब जितना फल होता है ना सबका नाम लिया जाता है, नारियल नींबू। उजे गागरा फरले घाउद से सुगा ओ पर सुगा मेरा राय, ओ पर सुगा मेरा राय, उजे मार बौरे सुग बाधनुष से सुगा गिरे मुरु छाय। मुझे छठ के टाइम में मैं बहुत मिस करती हूँ अपने नेटिव प्लेस को, मुझे बहुत रोना आता है छठ के टाइम में, क्योंकि नेटिव प्लेस होता है, उसका तुलना आप कहीं भी रह के नहीं कर सकते हो। आपके अपने लोग होते हैं, आपको जो पहचानते हैं, आपसे जुड़े होते हैं, तुलना आप कहीं भी नहीं कर सकते। मैं छठ के टाइम में बहुत मिस करती हूँ। मैं गाना सुबह से गुनगुनाते रहती हूँ, गोल्डी अंशु को तो पता नहीं है लेकिन मैं गुनगुनाते रहती, मैं एलेक्सा पे भी सुबह से सुन रही थी, खेसारी लाल का ही सुन रही थी। खेसारी लाल तो आज बिग बॉस में आ रहा, चलिए चाय पीते हैं। आज मैं नींबू, आज ना मुझे आंवला खाने का मन कर रहा है तो आंवला एक निकाली हूँ और इसको खा रही हूँ। गुड फॉर हेल्थ। चलिए चाय पीते हैं, पहले हाथ धोते हैं फिर कुछ करते हैं। छठ का गाना, लविंग इट। एक और था, उजे बासाई बस के बाहंगिया रेशम लागल डोर। ये मुजफ्फरपुर जिला में ऐसे गाते हैं। बस इतना ही लाइन। एक और गाना था छठ का जो गोबर से लिपले घर आंगन माँ छठी माई। भूल गई, सब भूल गई, सब प्रैक्टिस में नहीं है ना। सोच रही हूँ छठ के गाना का एक एल्बम रिलीज कर दूँ। एकदम बेकार गला नहीं है मेरा, थोड़ा बहुत अच्छा है, बताइएगा। छठ थोड़ा बहुत अच्छा गा लेती हूँ मैं।
तो मैं वही सोच रही हूँ कि थोड़ा एल्बम ही निकाल देती हूँ छठी मैया को। अभी तो चाय बना रही हूँ, गोल्डी रानी को दिखलाऊँ क्या? हाय मेरी ब्यूटीफुल। और ये टिकटॉक वीडियो की तैयारी की बात है, गोल्डी ही जाने, गोल्डी की माया, गोल्डी ही जाने। मीरा के बच्चों का पूरा ड्रेस खरीदी थी दीपावली में, साइज में थोड़ा बड़ा हो गया। मीरा कही दीदी टी शर्ट सब का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। हम लेकिन कोई बात नहीं, फिर से जाऊंगी मार्केट, फिर खरीद के ले आऊंगी। हम लेकिन उसको पहना दो थोड़ा लूज फिटिंग में। ग्रॉसरी का पूरा सामान खरीदना है, चाय, पत्ती, चीनी, आटा, चावल, दाल सब खरीदना। दुनिया में ऐसा कोई पत्ती नहीं है जिसको मैं यूज नहीं की हूँ। मीन्स जो जो अवेलेबल है मार्केट में सब यूज कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे चाय के टेस्ट में कोई फर्क नहीं है। चाय का टेस्ट चाहे जैसा भी हो, मेरे बनाने में के प्यार में कोई कमी नहीं। बनाती मैं बड़ा प्यार से हूँ, चाय भले बेकार बने। बचका के लिए बनाई थी मैं। आलू और ये कद्दू काट के रखी थी बचका। देखे उस फेस पैक के बाद मेरे स्किन में ग्लो ग्लो ग्लो, स्किन भी है ना एकदम फ्रेश फील होता है, फ्रेश। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं बिना फेस पैक के रही हूँ, कोई ऐसा दिन। मैं रोज कोई ना कोई फेस पैक जरूर लगाती हूँ, मेरे अच्छे स्किन का राज वही। और जब मैं किचन में आती हूँ तो फेस के ऊपर अपना एक लेयर कर्ड का लगा करके तब आती हूँ, ताकि वो किचन का जो वो धुआं वगैरह है ना वो स्किन पे नहीं लगे। कब से सोच रही हूँ मैं आपका कप के ऊपर आपका फोटो, सारे जो भी सबका पिक्चर में मंगाई थी सबका फोटो करवाऊंगी, जाना ही नहीं हो पा रहा। आज मैं पक्का जा रही हूँ, आज नहीं जाऊंगी, मीन्स दो चार दिन के बाद जब भी मॉल जाऊंगी ना बनवा के लेके। शैम्पू भी खत्म हो गया है, शैम्पू भी मंगाना है। बिजली बचाओ अभियान, ये क्या करे, बिजली को तो बचाना पड़ेगा ना। आपके साथ थोड़ा गप्पा मारती हूँ, चाय पीती हूँ। आप सबके मेरे जितने गोल्ड मेंबर हैं सबके नाम से चाय, और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं आप सबके लिए भी चाय। लव यू टू ऑल। हाँ पक्का बताइएगा मेरी आवाज कैसी है, झूठी तारीफ मत कीजिएगा, सच्ची वाली तारीफ। अगर मैं सच्ची में अच्छा गाती हूँ ना तो पक्का मैं ना छठ माता सॉन्ग एल्बम निकालू। मीन्स एल्बम क्या मतलब, गा गा करके रिकॉर्ड करके और डालू। अभी भैया एल्बम कहाँ से बना पाऊँ। दुर्गा
दुबला है, आयरन होगा। अभी फ़ोन की थी मैं, अभी पापा को देखी हूँ अपने में पानी में खड़े हैं, एकदम पीला पीला धोती और वो पीला कलर का वो क्या बोलते हैं, वो धोती ही बड़ा सा उसी को ऐसे करके डाला है। कल सुबह सुबह जाना है, मतलब 4:30 में 4:30 तक घाट पे पहुंच जाना है। हमारे यहाँ तो छठ घाट यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे सिंदूर लगाते हैं, शादी में तो अभी भी ऐसे ही लगाते हैं यहाँ से। मैं शादी का फोटो कब से सोच रही हूँ आप सबके साथ शेयर कर ही नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं हो पाता। गिन के इतू सा टाइम बचता है, सिर्फ इतू सा टाइम बचता है हम खुद के लिए, इतू सा टाइम, वो इतू सा टाइम है ना मस्त स्पेंड करती हूँ मैं मस्त, तो मतलब वो टाइम स्पेंड हुआ बचा ना इतू सा टाइम, तो आप लोगों के साथ गप्पा मार। चलिए छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग बनाती हूँ कल। बाय बाय, टेक केयर।